जी, तो प्रीवियस एग्जांपल में जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो डेटा है उस वो कॉमा सेपरेटेड है। हमारा डेटा क्या है, कॉमा की बेस पे सेपरेट हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, लेट्स से अगर डेटा फाइल में से मैंने रीड कर लिया और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो स्टूडेंट्स से प्रिंट करने हैं जिनके सिटी की वैल्यू रावलपिंडी है, क्या करना चाह रहे हैं हम सिर्फ वो स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रिंट करना चाह रहे हैं जिनकी सिटी की वैल्यू क्या है, रावलपिंडी है। तो अब क्या करना पड़ेगा कि जो डेटा मैं डायरेक्टली यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ या जो मैं रीड करके लाया था, उस डेटा को मुझे प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, उस डेटा को मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। तो वो जो प्रोसेसिंग है ना, उसके लिए मैं क्या करूँ कि राइट डेटा के फंक्शन को यहाँ पे चेंज करूँ। ये राइट डेटा को चेंज नहीं कर रहे, बेसिकली ये सारी ही एग्जांपल हैं। जो चेंज हमने करना है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। पहले वाला जो कोड है राइट डेटा को वो एग्जैक्टली सेम है, कोई चेंज नहीं है। जो रीड डेटा का फंक्शन है मुझे यहाँ पे, ये जो रीड डेटा का फंक्शन है इसमें भी कोई चेंज फिलहाल नहीं है, क्योंकि ये भी एक स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न करता है, चेंज हम मैन में जाके करते हैं। तो केस वन भी सेम है जहाँ पे हम राइट कर रहे थे। अब केस टू में आ जाएँ, तो केस टू में हमने चेंज किया हुआ है, हमने कहा कि जो डेटा रीड होके आ रहा है वो किस में आ जाएगा, एस में। अब ये जो एस में डेटा आ चुका है ये किस पेज पे है पड़ा हुआ है, डेटा हमारा कामा की बेस पे, इस बेस पे है ये कामा बेस के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा कि उस स्ट्रिंग एस को अब स्प्लिट करूँगा किस बेस पे, कामा की बेस पे, और उस स्ट्रिंग में जितने भी कॉमास होंगे उनके साथ जितने वर्ड्स आ रहे होंगे वो सारे सारे वर्ड्स एक स्ट्रिंग में मैंने क्या कर लिए, सेव कर लिए। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि पहले तो 101, फिर था कामा अली, फिर था इस्लामाबाद, फिर था कोई वही वैल्यू थी। तो अगर कामा की बेस पर मैं इसको जो है वो ब्रेक करूँगा तो 101 अलग हो जाएगा, इंडेक्स 0 पर जाके सेव हो जाएगा स्ट्रिंग की वर्ड्स की, इंडेक्स 1 पर जो है वो जाके उसका नेम आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो जब भी हम स्प्लिट करते हैं तो लेफ्ट साइड पे हमें क्या चाहिए होती है, एक एरे चाहिए होती है सेम उसी टाइप की जिस टाइप का हम राइट साइड पे डेटा को स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये वर्ड्स में आ जाएगा, तो अब वर्ड्स में मल्टीपल वर्ड्स हैं, तो मैंने एक लूप चला ली। मैं ये कह रहा हूँ कि आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड लेस देन वर्ड्स डॉट लेंथ। अगर वो 10 वर्ड्स थे तो लूप जो है वो 10 दफ़ा चलेगा, और वो जो भी वर्ड्स थे हम उसको क्या कर देंगे, प्रिंट करवा। ठीक है, सो अगर इस केस में हम आउटपुट की बात करें तो हमारा जो डेटा है जब हम उसको प्रिंट करेंगे तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है 1 2 3 के बाद अब कामा नहीं आ रहा, बल्कि क्या है, कंप्लीट वैल्यू अली आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने डेटा को प्रोसेस कर लिया। अभी ये जो मैंने प्रोसेसिंग की है सिंपली डेटा को जो है वो कामा बेस पर सेपरेट करके स्पेस बेस पर मैं उसको क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ। आप ये भी कर सकते हैं कि लेट से डेटा हमारे पास आ गया और उसको प्रोसेस कुछ इस तरह से करें कि जो सिटी रावलपिंडी वाले पर्सन हैं उनको अलग कर दें, जो इस्लामाबाद वाले हैं उनको अलग कर दें। तो ये प्रोसेसिंग जो है बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने कामा बेस सेपरेशन की है, इसी तरह से हम उसको सेपरेट करके जो है वो मैनेज करने की कोशिश करें। सो दैट्स इट, ये हमारा वीक 16 का कंटेंट था, और वीक 16 में आपको एक जो है वो असाइनमेंट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी जो है लेसन के अंदर असाइनमेंट नहीं है, LMS के ऊपर आपके साथ एक असाइनमेंट शेयर की जाएगी, तो आपने उस असाइनमेंट को सॉल्व करना है। वो असाइनमेंट जो है वो डेटा को रीड करके प्रोसेस करने से रिलेटेड होगी। सो प्रोसेसिंग के लिए आपने ये जो मैंने लास्ट एग्जाम्पल आपके साथ शेयर की है इस टेक्निक को आपने फॉलो करना। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।